आज के इस वीडियो में आप एक ऐसे चीज के बारे में जानने वाले हो जिसे हर कोई लगभग मजाक में लेता है, पोलियो। मेरे भाई, सुनने में जितनी ज़्यादा छोटी चीज लग रही है, जितना आसान लग रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक चीज थी ये पोलियो। जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ती जाएगी, आपके होश भौचक्के होते जाएंगे। कंडीशन ये है कि आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि इस दुनिया की सारी अजीबोगरीब चीज़ें, लोग और जगहें आपको यहीं पर मिलने वाली हैं। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta... तो किसी भी व्यक्ति विशेष को समस्या ना पहुंचाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज अनूप सिंह एंड यू आर वॉचिंग द अनूप यूट्यूब चैनल। चलिए फिर एवेंचे। कोरोना वायरस से एक ऐसी महामारी जिसने आज के टाइम में ना तो एशिया को छोड़ा है और ना ही यूरोप को छोड़ा है, पर हमारे वैज्ञानिकों के हिसाब से इसकी वैक्सीन तो बहुत ही जल्दी बन जाएगी, मतलब करीब 1 से 1.5 साल के अंदर। पर इसका भी बाप हमारे इस दुनिया में कभी आया था, जिससे हम पोलियो के नाम से जानते हैं, और उस बीमारी से आज भी कई देश जंग लड़ रहे हैं लगातार। पोलियो, जिसे आप चाहे पोलियो आँख लो या फिर पोलियो मेलाइटिस, ये एक ऐसा वायरस था जो कि फैलता तो कोरोना वायरस की तरह ही था, पर इस वायरस में बंदे के खांसी जुखाम या फिर बुखार नहीं होता था। इस वायरस में बंदे के माइंड पर इफेक्ट पड़ता था और रीढ़ की हड्डी पर इफेक्ट पड़ता था, और वो पूरी तरीके से डैमेज कर दिया करता था। अब कोरोना वायरस और इसमें फ़र्क ये था कि कोरोना वायरस क्या करता है कि अधिकतर बंदों को मौत के घाट उतार देता है, पर ये वायरस ऐसा था कि ये किसी को मारता नहीं था। बहुत ही कम केसेस में लोग मरा करते थे, लोग मरते नहीं थे, लोग हो जाते थे विकलांग। जब रीढ़ की हड्डी डैमेज हो जाती थी और माइंड डैमेज हो जाता था, तो इंसान अपनी बॉडी के किसी ना किसी पार्ट से हो जाता था विकलांग। ये वायरस अधिकतर बच्चों को अपनी चपेट में लेता था, क्योंकि बच्चे इसके संपर्क में बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ जाया करते थे, और वो बच्चे के किसी ना किसी पार्ट को आड़े टेढ़े कर दिया करता था। मतलब कि बच्चों का विकास होने से पहले ही उनके हड्डियों को या फिर बॉडी के किसी ना किसी पार्ट को इधर उधर मोड़ दिया करता था, और जब बच्चे का विकास हो जाता था, या तो वो पार्ट बहुत ही ज़्यादा छोटा रह जाया करता था, बढ़ ही नहीं पाता था, या फिर वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि बच्चा उसको संभाल ही नहीं सकता था, और इस तरीके से हो जाया करता था बच्चा विकलांग। ये वायरस 1940 से 1955 के बीच बहुत ही तेजी से अमेरिका में फैला था, और उस वक्त अमेरिका के लोग सिर्फ दो चीजों से डरा करते थे। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध में जो न्यूक्लियर वेपन्स होते थे उससे, और दूसरा जो था वो था पोलियो का वायरस। और 1950 तक ये वायरस पूरी दुनिया में लगभग फैल चुका था एकदम कोरोना वायरस की तरह, और इसके रोकथाम के लिए एक भी दवाई, एक भी वैक्सीन नहीं बन पाई थी, एकदम कैंसर की तरह। और तभी इस खतरनाक बीमारी और खतरनाक सिचुएशंस के बीच एंट्री होती है अपने हीरो की, जोनस साल्क। डॉक्टर जोनस साल्क की भी एक अजीब स्टोरी थी, मतलब कि वो अपने लाइफ के किसी भी मिशन को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते थे, पर उसने अपने वकील बनने के मिशन को अपने फैमिली के लिए अधूरा छोड़ दिया, और अपने फैमिली के कहने पर डॉक्टर बन गए। साथ ही में वो एक रिसर्चर भी थे। डॉक्टर जोनस साल्क सर ने दिन रात एक करके 1955 में रेडी करी पोलियो की वैक्सीन, जो कि इम्पॉसिबल था, पर इन्होंने पॉसिबल कर दिखाया और बना दिया। अब ये चाहते तो ये किसी भी मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी बड़ी दवाई वाली संस्था को अपनी ये वैक्सीन बेच सकते थे और करोड़ों कमा सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इनको पता था कि मैं अगर ऐसा करता हूँ तो वो संस्था क्या करेगी कि वो उस दवाई को फ्री में प्रोवाइड नहीं करेगी, वो लाखों रुपए देकर लोगों को बेचा करेगी दवाई, और इससे सबका भला नहीं हो पाएगा। तो इसने डायरेक्ट अमेरिकन गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया और उनको ही वो दवाई दी, जिससे आज के समय में पूरी दुनिया में वो दवाई फ्री में बांटी जा सकती है सरकार के द्वारा। और आज के टाइम में जो हम अपने पैरों पर चल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, ये डॉक्टर जोनस साल्क की ही मेहरबानी है कि आज के टाइम में पूरी पृथ्वी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, वरना हम सब विकलांग होते, दिव्यांग होते। पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो मुक्त है, पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए, जरूर 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। तो एक हिसाब से देखा जाए तो डॉक्टर जोनस साल्क हम लोगों के लिए भगवान थे, तो हम सबको एक बार उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि उनके वजह से हम अपनी लाइफ को जी पा रहे हैं।
थैंक यू जोनस साल्क सर। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा बहुत प्यार इंस्टाग्राम पर भी दिखा दो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।